तुम किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से जाके इंजीनियरिंग का मतलब पूछोगे तो वो तुम्हें कुछ ऐसे जवाब देंगे। What does engineering mean to you in one word? Books. बहुत सारी books? Suspense in everything. 8 semesters. गलत फहमी. Bunking classes. 8 सेमेस्टर, 4 साल और 11 से ज्यादा सब्जेक्ट का ये सफर आज तुम्हें इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो चलते हैं डे 1 पर। जनवरी 28 जिस दिन मेरा एडमिशन होता है केजे सुमाया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। रास्ता बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे, ओ इलाही मेरा जी आए आए इलाही। डिप्लोमा होल्डर होने के वजह से मुझे फर्स्ट ईयर ना करते हुए सीधे सेकंड ईयर में डायरेक्ट प्रमोट किया गया एंड बूम फ्रॉम नेक्स्ट डे कॉलेज शुरू हो जाता है एंड वो कुछ इस तरीके से दिखता है। हाँ जी, हमारा पूरा सेकंड ईयर जो है वो ऑनलाइन ही चले गया। साइड में लैपटॉप ओपन कर मैं कुछ नहीं स्टार्टअप पे काम करना शुरू कर दिया करता था। प्रोडक्ट के शूट्स। नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आई यूज्ड टू रन टू स्टार्टअप्स एट दैट टाइम। वन इज मैप सोशल एंड अनदर वन इज मैप इन्फिनिटी। मैप सोशल एक मीडिया एजेंसी था और मैप इन्फिनिटी एक 3D मॉडल डिजाइनिंग फर्म था। हिमांशु भूषण के साथ क्लाइंट की मीटिंग करना और मिलिन के साथ डेली डिजाइन प्रोजेक्ट्स पर काम करना, इसी तरीके से कुछ दिन जो है वो मेरे जा रहे थे एंड यही हमने पूरे साल कंटिन्यू रखा। एंड हमारा लेट एडमिशन होने की वजह से थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर उस 5 महीनों में ही लिया गया। थर्ड ईयर की शुरुआत होते ही हमें इस बार कहा जाता है कि तुम्हारे इस बार के पेपर ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होंगे। अब जब मैंने ये न्यूज पढ़ी तो मैं खुश तो बहुत हुआ था क्योंकि कॉलेज जाने मिलने वाला था, बट उतना ही मैं दुख भी मना रहा था बिकॉज मैंने जो मेरे स्टार्टअप्स को पिछले 1.5 साल में खड़ा किया था वो मैं इसीलिए खड़ा कर पाया था बिकॉज मेरा कॉलेज जो है वो ऑनलाइन था ना कि ऑफलाइन। एंड अगर कॉलेज ऑफलाइन होता है तो हर दिन लेक्चर्स, हर वीक असाइनमेंट्स एंड मुंबई जैसे नए शहर में जाना होगा जहाँ मैं आज तक सिर्फ 2 बार गया था, वो भी फैमिली के साथ। एंड लकीली हमारा 5th सेमेस्टर भी ऑनलाइन ही हो जाता है, बट फिर आता है 6th सेमेस्टर। एक ऐसा बदलाव आता है लाइफ में जिसने सही में धागे खोल दिए। ये ईमेल पढ़ने के बाद श्योरिटी आ चुकी थी कि यार अब कॉलेज तो जाना पड़ेगा। मैं मम्मी और पूरी फैमिली को बताता हूँ और सब लोग पैकिंग और हॉस्टल की तैयारी में लग जाते हैं, बट मैं जाकर मेरे स्टार्टअप्स को किस तरीके से संभालूंगा उस प्रिपरेशन में लग जाता हूँ। हिमांशु, भूषण, मिलिंद और मेरे सारे दोस्तों को भी ईमेल्स आ चुके थे कि उन्हें भी अब ऑफलाइन कॉलेज में जाना होगा। अब मैं एक्सेप्ट तो कर चुका था कि मुझे कॉलेज जाना होगा, बट मैं नर्वस भी बहुत ज़्यादा था बिकॉज आज तक मैं घर से इतना दूर अकेले रहा नहीं था। नए दोस्त कैसे बनाऊँगा, हॉस्टल में खाना कैसे होगा, मुंबई में अगर कुछ इशू होगा तो मैं जाऊँगा कहाँ, ये सब सवालों को मैं अपने बैग में बंद कर चल पड़ती है अपनी सवारी सपनों के शहर मुंबई। सफरनामा जिसे ढूंढा
आप हमारे दादा। नया कॉलेज, नए लोग, नया शहर, ये सब में आने के बाद जब मैं पहले दिन कॉलेज गया था तो काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सब बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं, ये लोग मुझसे क्यों बात करेंगे। कहते हैं ना, वक्त सब ठीक कर देता है। मुझे कुछ बेहतरीन दोस्त मिले मुंबई में आकर, अली, लुवाई, गौरी, आकाश, राज, सेजल, सुमित और सोने पे सुहागा हमारा हॉस्टल, जिसने मुझे घर की फील दी और मुझे सेटल होने में मदद की। 2 महीने के बाद चीज़ें सेटल लगने लगी और मैं शुरू करता हूँ फिर से मेरे फ्लो में YouTube वीडियोस बनाना। मैप इन्फिनिटी ये स्टार्टअप हमें बंद करना पड़ा और मैप सोशल में चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बिखर रही थी, क्योंकि यहाँ आकर मैं अपनी टीम से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। सब लोगों के टाइम फ्रेम्स चेंज हो चुके थे, सब लोगों के काम अपने अपने लग चुके थे, जिस वजह से मेरे साथ काफ़ी डिफरेंट फेज से मैं गुजर रहा था। बट थर्ड ईयर तक आते आते मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीख ली थी, जैसे नेटवर्किंग करना, इवेंट्स अटेंड करना, इंग्लिश में बात करना और सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे मेरे आइडल से मिलने का मौका मिला। थर्ड ईयर में थोड़े दिन बाद मुझे समझ गया था कि यार मुझे जो भी करना है वो मुझे अभी ही करना है। तो क्या, लेक्चर्स बंक कर मैंने फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया मेरे स्टार्टअप्स पर, मेरे कंटेंट क्रिएशन इज आर्ट पर। स्टोरी टेलिंग सीखनी शुरू की और कोडिंग और ऐसी बड़ी बड़ी स्किल्स को, वेब थ्री जैसे इकोसिस्टम को समझना शुरू किया और मैं मेरी नई कंपनी को शुरू करता हूँ जिसका नाम है ब्लॉकवी। सब कुछ सीधा सीधा जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना। फिर आता है सबसे बड़ा नाइटमेयर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने देखा है, वो है फर्स्ट ऑफलाइन पेपर आफ्टर 2 ईयर्स। सुरा भाई, आपको कैसा लग रहा है आपका पहला ऑफलाइन पेपर आज? कितना फोर्थ ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग, तो यार पता ही नहीं चला कि ये टाइम कब इतना फास्ट निकल गया, कब मैं सेकेंड ईयर में एंट्री लेकर फोर्थ ईयर में एंट्री भी कर गया हूँ। एंड अभी कुछ ही और महीने बचे हैं मेरी इंजीनियरिंग खत्म होने में, पर इस फोर्थ ईयर की शुरुआत से लेके अभी तक के सफर में इतना कुछ मुझे सरप्राइजेस मिले और इतना कुछ मेरे साथ हुआ है कि वो जरूर सुन के जाओ। मेरे हिसाब से सुनकर नहीं, तुम सीधा देख के ही जाओ। ब्लॉकवी 3 लोगों के टीम से 14 लोगों के टीम तक स्केल हो चुका है। मैंने मोर देन 25+ स्पीचेस जो है वो मैं दे चुका हूँ डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में। ये कोई सपने जैसा लगता है एंड मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि फोर्थ ईयर अभी सिर्फ शुरू हुआ है और शायद ख़त्म होते होते मुझे और बहुत सारे सरप्राइजेज मिलने वाले हैं, जिसके लिए शायद मैं अभी राइट नाउ रेडी भी नहीं हूँ। हाँ, मे बी नेगेटिव या मे बी पॉजिटिव,
पहले जो मैं सिर्फ मेरे होम टाउन में बैठकर सोचा करता था वो मुझे मुंबई में आकर एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। बट एक सैड चीज ये भी है कि मैंने मेरे इंजीनियरिंग के 2 साल सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टार्टअप और मेरी स्किल्स बिल्ड करने में लगा दिए। इस वजह से मुझे काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स थे जो मुझे सेक्रीफाइस करने पड़े, जैसे कि कुछ ट्रिप्स, कुछ सेरेमनीज, कुछ इवेंट्स जहाँ पर सारे लोग जाया करते थे बट मैं नहीं जा पाता था। राइट नाउ व्हेनेवर आई अचीव समथिंग और आई एक्सपीरियंस समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड मी, आई रियलाइज दैट जो भी मैंने सेक्रीफाइसेस किए वो सही में वर्थ इट है। एंड येस, राइट नाउ इन माई फाइनल ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग आई एम मेजरली फोकसिंग ऑन लाइक बिल्डिंग मोर एंड मोर मेमोरीज, ज़्यादा ज़्यादा मेमोरीज बनानी है और विद दैट स्टार्टअप जो है उसे भी बिल्ड करना है। तो यार एट द एंड इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुम कोई ऐसे हो जो भी इंजीनियरिंग में आने वाले हो या तुम अपने होम टाउन से माइग्रेट करने वाले हो, तो यार ज़्यादा नर्वस फील मत करो, ज़्यादा सोचो मत, ज़रूर वो स्टेप लो इधर आने का। बिकॉज मैं अभी अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मुंबई आता ही नहीं तो जो जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है, जो चीज़ें मेरे साथ हुई है, जो मैंने एक्सपीरियंसेस लिए वो शायद मैं कभी ले ही नहीं पाता। एंड यस, इसके अलावा अगर तुम और ऐसे मेरे स्टार्टअप जर्नी के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने और इस तरीके के वीडियोस जो है वो बनाए हैं, तो जाके ज़रूर देखो। एंड यस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, सायोनारा, सब्बा खैर, मिलते हैं।